स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन लर्निंग एंड मेनी मोर बाय अरविंद तरुण में। नए हर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत प्रिमिटिव ह्यूमन आदि मानव के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के ही एक अगला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट्स हैं आदिम मानव प्रीमेटिव ह्यूमेंस इसके बारे में जानेंगे। और बच्चों इसके पहले हमने इतिहास के स्रोत जो टॉपिक था वीडियो था उसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए उसे। और यह वीडियो जो है कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट वहां से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आदिम मानव प्रिमिटिव ह्यूमेंस चित्र हम देख पा रहे हैं आदिम मानव का। अब जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे कहां रहते थे आज के समय घर उनके पास नहीं थे तो वे कहां रहते थे बच्चों? जंगलों में रहते थे और क्या खाते थे? जंगली कंदमूल एवं फल खाते थे। साथ ही वे जानवरों का शिकार करके उसका मांस भी खाते थे। चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आदिम मानव शिकार करते थे और विभिन्न प्रकार के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली कंदमूल और फल का वे सेवन करते थे। आदिम मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे लेकिन वे किसी एक जगह पर समूह बनाकर नहीं रहते थे। जब किसी जंगल में एक स्थान पर क्या हो जाता था, कंदमूल फल या वहां का शिकार जो है समाप्त हो जाता था तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान की ओर चल देता था पढ़ेंगे। इस तरह वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, घूमते रहते थे। और इस तरीके से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए आना जाना रहता था, घूमते रहते थे, वे कह सकते हैं उसे खानाबदोश जीवन जीते थे। वे खानाबदोशी का जीवन उनके रहन सहन में था आदिम मानव लोगों के। आगे बढ़ते हैं। आदिम मानव पेड़ों की पत्तियां, छाल तथा जानवरों के खाल से अपने शरीर को क्या करते थे, ढकते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषण का उपयोग करते थे। आभूषण का तो आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि वे कैसे आभूषण पहनते थे। वर्तमान में जैसे महिलाएं जो है सोने के, डायमंड के, चांदी के, इस तरीके के आभूषण पहनते हैं, तो क्या पुराने समय के जो आदिम मानव थे, पुरुष और महिलाएं थे, वे कैसे आभूषण पहनते थे? तो वे लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर एवं हड्डी से बने आभूषण का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। साथ ही साथ उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे। ये पूछा जाता है कौन से धातु से आदिम मानव परिचित नहीं थे, तो लोहा या पीतल जैसी धातुओं से वे परिचित नहीं थे। आदिम मानव अपने आसपास होने वाले पत्थरों से क्या करते थे, काम चलाते थे। यही पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औजार या हथियार था। आदिम मानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले बनाए जिनके नोक पत्थरों के क्या हो जिनके नोक क्या थे पत्थरों के होते थे। वे पशुओं की हड्डियों एवं सींगों से भी क्या करते थे, पशुओं की हड्डियों और सींगों से भी हथियार
बनाते थे। जैसा ये चित्र में हम देख पा रहे हैं, वे लकड़ी के और पत्थरों के और जानवरों को सींगों के द्वारा ये हथियार बनाते थे। आगे चलकर क्या हुआ? आग का उपयोग। ऐसा अनुमान है कि औजार बनाते समय या किसी समय दो पत्थरों के आपस में क्या हो गया, आपस में टकराने से आपस में चिंगारी निकली होगी, जिससे आसपास की सूखी पत्तियां या घास आदि जल उठी होगी। इस प्रकार हमारे पूर्वजों को क्या हुआ होगा, आग जलाने का तरीका पता चला होगा। तो पहले क्या करते थे, वे कंदमूल फल जो भी थे वे खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। बाद में जब आग का आविष्कार हो गया तो वे मांस को क्या करने लगे, आग आग में भून कर खाने लगे और आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे वे। आदि मानव प्रकृति के क्या थे, बहुत करीब थे और पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि को अपने वे सगे संबंधी मानते थे। प्रकृति के बहुत करीब होने के कारण वे पेड़ पौधे पशु पक्षी को अपना सगे संबंधी मानते थे। वे देवताओं में भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। वे अपने देवताओं को प्रसन्न खुश करने के लिए नाच गान भी करते थे। ये जो आकृति चित्र दिख रहा है हमें, कबरा और सिंघनपुर के शैल चित्र, जो हमने इतिहास के स्रोत के चैप्टर में भी हमने जाना था कि पुराने शैल चित्र हमें कबरा और सिंघनपुर रायगढ़ जिले के मिले हैं। इस तरीके से शैल चित्र दिखाई देते हैं जो आदि मानव काल के हैं। गुफाओं के दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी क्या करते थे, वे बनाते थे। शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में, जैसा हमने पहले के चैप्टर्स में भी जाना था, रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी डोंडी लोहारा की गुफाओं में आदिम मानव के बनाए गए चित्र मिलते हैं। और ये चित्र कैसे हैं, रंगीन हैं। इनमें मछली, घड़ियाल और अन्य पशुओं के चित्र भी मिलते हैं। यहाँ मनुष्य की आकृति बनी हुई है तथा तिरछी लकीरें भी बनाई गई है। एक आकृति में कुछ लोग पशु का शिकार करते हुए भी दिखाए गए हैं। सीढ़ीनुमा आकृति इन चित्रों की क्या है, विशेषता है, मुख्य रूप से सीढ़ीनुमा आकृति। आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 10,000 साल पहले जंगल से भोजन इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में काफी बदलाव आने लगा। कुछ जंगली जानवर को पालतू बनाने लगे तो कहीं वे तरह तरह के अनाज और पौधे उगाने लगे। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। तो जब वे पशु पालन करने लगे तो आदिम मानव का पहला जो पालतू पशु था वह था कुत्ता। कुत्ता उनका पहला पालतू पशु था और कुत्ते क्या करते थे, बचे हुए भोजन को खाते थे और शिकारियों का शिकार करने में भी मदद करते थे। इसके बाद जंगली भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों को भी उन्होंने पालना शुरू किया। अब जानते हैं आदिम मानव किस तरीके से खेती करते थे, खेती का उनमें विकास हुआ। आदिम मानव जान चुके थे कि खाकर वे विभिन्न प्रकार के कंद मूल फल को क्या करते थे, खाकर यदा कदा यहाँ वहां फेंक देते थे। तो उन्होंने देखा कि ये फलों को फेंकने से जो बीज होता है वह क्या है, उनमें दानों से नए पौधे उगाते हैं। तो उन्होंने सोचा, इस तरीके से देखा और सोचा कि इस तरीके से उनमें खेती का विस्तार हुआ, खेती का उनमें विकास हुआ और दुनिया भर में इस तरीके से खेती का विस्तार हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत
आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले हुई। शुरुआत में जो खेती होती थी आज की तरह क्या थी, स्थाई नहीं होती थी। स्थाई कहने का अर्थ है कि हम अलग अलग जगहों में अलग अलग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का स्थान विशेष में उनका खेत होता है, वहां जाके वे खेती करते हैं। पर पुराने समय में ऐसा नहीं था, यानी कि एक ही खेत में साल दर साल खेती नहीं होती थी। इस समय खेती के लिए पहले कुछ क्षेत्र के जंगलों को जलाकर साफ किया जाता था, फिर उस स्थान पर 2-3 साल तक लगातार खेती की जाती थी। इसके बाद खेत में पैदावार कम होने लगती थी, तो फिर उस स्थान को छोड़कर वे दूसरे स्थान पर खेती करने चले जाते थे। तो इस किस्म की खेती को स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं। ये पूछा जाता है, झूम खेती या स्थानांतरण खेती क्या होता है? तो एक स्थान पर खेती, जंगलों को साफ करने के बाद वहां पे खेती करना, और फिर कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर जाके खेती करना, स्थानांतरण खेती नाम से स्पष्ट है, या झूम खेती कहा जाता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में है, तो अंत तक आप सभी वीडियो से जुड़े रहिए। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा तथा बस्तर जिलों के, कहां कहां, सरगुजा और बस्तर जिलों के सघन आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की खेती अभी भी होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा और बस्तर है वह मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहां वर्तमान में भी स्थानांतरित खेती या झूम खेती किया जाता है, स्थानांतरण खेती। आगे बढ़ते हैं, खेती के शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्यों के जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया। समूह के सभी लोगों की मेहनत से खेती का इलाका क्या हो गया, धीरे धीरे फैलता गया। वे अब एक स्थान पर स्थायी रूप से क्या करने लगे, बसने लगे। खेती की शुरुआत से ये उनके जीवन में परिवर्तन आया। वे लकड़ी, मिट्टी और घास फूस आदि से अपना अब घर भी स्थायी रूप से बनाने लगे और वहां रहने लगे। वे ये घर नदियों, तालाबों, नालों के आसपास बनाए जाते थे। तो बच्चों, आप सभी सोच सकते हैं कि उनके घर तालाबों, नालों, नदियों के आसपास क्यों होते थे? तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे उनके जीवन के लिए आवश्यक जो चीजें हैं नदियों, तालाबों से प्राप्त होते थे, इसलिए वहां वे नजदीक में रहते थे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए वे अपने घरों व बस्तियों को चारों ओर घेरा भी बनाते थे। वर्तमान में भी हम जान रहे हैं कि जब घर बनाते हैं तो चारों ओर बाउंड्री या घेरे लगाए जाते हैं बाड़ियों में, घरों में। तो पुराने समय के जो आदि मानव थे वे भी अपने विभिन्न प्रकार के, वे जंगल में रहते थे, जानवरों से बचाव के लिए घेरा बनाते थे, या मचान या विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते थे उनके ऊपर वे निवासरत रहते थे। घरों में अनाज जो होता था खेती करने लगे थे। अब वे अनाजों को भर कर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनाने लगे। अनाज पकाने व दूध उबालने के लिए वे अब बर्तन भी बनाने लगे, चूल्हे बनाने लगे। अनाज पीसने के लिए सिल बट्टे भी वे अब बनाने लगे थे। इस तरह इस काल में कई नई चीजों को बनाना उन्होंने शुरू किया। इस समय के लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ के रूप में मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वे मुख्य रूप से इन शक्तियों को खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान करते और जानवरों की बलि भी देते थे। वर्तमान में भी कई स्थानों पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। तो पुराने समय में भी इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से आदिम मानव चैप्टर टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में जाना। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है
अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर होगा। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।